हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में आज हम दिल्ली जुडिशियल सर्विस मेन एग्जामिनेशन के 2019 के एक क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन है और ये इंग्लिश में ही आता है इसका पेपर, ये आपको पता होगा। तो आप इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रीड यहाँ नहीं करूँगी, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगी, बट आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चंस जो है इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ, ये तो पूरा पेज है ही, फिर उसके बाद ये नीचे का इतना पोर्शन है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर इसको ऊपर से नीचे लेते आ रही हूँ। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्कस डिसाइड द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ पी डीलिंग विद द राइवल कंटेंशन, ठीक है, राइवल कंटेंशन। तो आप चाहो तो टाइम देख सकते हो, एक मिनट, ओके, बेसिकली अराउंड मतलब 1:10 पे आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले आप पॉज करके अपना क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ पी डीलिंग विद द राइवल कंटेंशन, यानी कि आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी डिसाइड करनी है पी की राइवल कंटेंशन देके, यानी कि राइवल यानी कि पी तो अपने डिफेंस में सपोर्ट कर रहा है अपने आप को, या और आपको राइवल कंटेंशन देना है, मतलब कि आपको उसको ऐसे एविडेंस के थ्रू, जो आपको एविडेंस को ऐसे यहाँ पर अप्रिशिएट करना है कि वो गिल्टी है, उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पी के ऊपर जो है ये 302 का चार्ज फ्रेम हुआ है कि उसने अपनी वाइफ को स्ट्रैंगुलेट कर दिया, ठीक है, स्ट्रैंगुलेट करके मार दिया है, हर डेथ एट अराउंड 11 PM ऑन द रूफ टॉप ऑफ द प्रीमाइसेस, घर की छत पे उसने उसको रात को 11 बजे करीबन मार दिया है, ठीक है, और उसको 302 के लिए बुक किया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन ने जो अपनी बात रखी कि जो स्टार विटनेस है, ठीक है, स्टार विटनेस यहाँ पे सी है, सी बेसिकली एक तरीके से चाइल्ड विटनेस है यहाँ पे, उसकी उम्र 7 ही साल है, उसने बोला कि ही सॉ हिज फादर, जो पी है, उसको अपनी माँ को मारते हुए देखा, उसने स्ट्रैंगुलेट, सरिया से स्ट्रैंगुलेट करते हुए देखा, और जो अगल बगल के जो पड़ोसी थे उन्होंने भी इस बात को टेस्टिफाई किया कि जेड, जब पी जो था, ठीक है, जो नेबर था जेड, एक ही नेबर था, उन्होंने उस बात को कन्फर्म किया कि भाई वो सुबह सुबह 6:30 बजे ही घर से भागा, और जो सरिया था वो डिस्कवरी स्टेटमेंट के जो है डिस्कवरी स्टेटमेंट के थ्रू जो है उसके बेड के नीचे मिला, ठीक है, डिस्कवरी स्टेटमेंट, आई होप आपको सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का पता हो। और पी जो है वो जो क्राइम स्पॉट था उससे सब उस वहाँ से भाग चुका था। तो ये प्रोसिक्यूशन का केस था और उसके ऊपर वो था कि उसने 313 CRPC में क्या होता है कि जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ले लिए जाते हैं तो उसके बाद 313 की प्रोसीडिंग होती है जहाँ पे पर्सनली एग्जामिन करता है जज जो है वो उसको अक्यूज को, उसको एक मौका देता है कि अपने साइड से, ये पर्सनल एग्जामिनेशन होता है जो केवल जज और अक्यूज के बीच में होता है, जज उसको एक मौका देता है कि अपने साइड से अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, और 313 में ओथ पे ये प्रोसीडिंग नहीं होती है। तो उसके ये था कि भाई उसने 313 में जब उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसने फॉल्स एविडेंस दिया था। अक्यूज जो है डिफेंस जो लेता है कि उसने, ही इज़ नॉट द ऑथर ऑफ द क्राइम, उसने क्राइम नहीं किया है। दूसरा, वो सी की टेस्टिमनी को लेके क्वेश्चन करता है कि वो बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, उसको उतना आइडिया नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, प्लस वो ये भी कहता है कि उसे ट्यूटर्ड किया गया है। ट्यूटर्ड का मतलब यहाँ होता है कि एक तरीके से उसको बहला फुसला के उससे बातें निकलवाई गई हैं, और उसने उसके अगेंस्ट एविडेंस इसलिए दिया है क्योंकि वो उसको स्कूल जाने के लिए डांटता रहता था, तो इसलिए उसने उस चीज़ का बदला निकालने के लिए उसके अगेंस्ट एविडेंस दे दिया। फिर वो बोलता है, दूसरा पॉइंट वो ये लेता है कि वो सरिया को लेके कुछ कहता है कि जो सरिया था जो उसके बेड से नीचे मिला उस पर कुछ रिजल्ट के मार्क्स थे, ठीक है, आप सरिया आपने देखा होगा, तो वो कहता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो, अगर उस मैंने उसको स्ट्रैंगुलेट करके मारा होता तो वो रिजल्ट के मार्क्स भी जो हैं उसके उसके ऊपर होने चाहिए, लेडी के ऊपर, बट वो भी नहीं थे, इसने अपने डिफेंस में ये चीज़ कही। फिर उसने कहा कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, वो रात को मूवी देख के आया एंड उसने लिकर कंज्यूम किया हुआ था, एंड देयर आफ्टर उसकी कुछ फाइट हो गई अपनी वाइफ के साथ, और उसके बाद उसकी वाइफ जो है वो दुखी होकर जाके शी कमिटेड दिस सुसाइड, ठीक है।
फिर लास्ट पॉइंट है कि वो कहता है कि यार हमारी तो 10 साल की शादी है एंड हम पीसफुली जो है अच्छे से हम रहते हैं, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं अपनी वाइफ को मार दूँ। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी डिसाइड करनी है राइवल कंटेंशन देखे, मतलब आपको डिफेंस के अपोजिट बोलना है। ओके, तो अब हम एक एक करके जो डिफेंस लिया है उसके अगेंस्ट बात करेंगे। वो पहली पॉइंट बोलता है कि जो सी है उसका बच्चा जो है वो चाइल्ड विटनेस है, तो उसकी टेस्टिमनी जो है दैट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज वो बच्चा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे लॉ की एप्लीकेबिलिटी लानी है और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 118 अप्लाई करना है, क्योंकि आपको यहाँ डिफेंस के अगेंस्ट बोलना है, राइवल कंटेंशंस देने हैं। तो ये आपको बताना होगा कि यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 118 के हिसाब से विटनेस की जो टेस्टिमनी है वहाँ पे ये बात नहीं रखी गई है कि कोई स्पेसिफिक मतलब विटनेस की एज बता दी गई है, किसी भी कहीं पे भी नहीं दिया है, बस ये दिया है कि कोई भी विटनेस जो है वो कॉम्पिटेंट है टेस्टिमनी देने के लिए, प्रोवाइडेड उसके सामने जो क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं वो उसका नेचर उसके पीछे का रैशनल समझता हो। ठीक है, उसको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि अगर 7 साल का बच्चा है, क्योंकि कई सारे सुप्रीम कोर्ट के केस थे जहाँ पे 5-5 साल के बच्चे ने स्पेशली अगर रेप जैसे ऑफेंसेस में अगर छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया, और इवन इन केस अगर बच्चे लड़के के साथ छोटे बच्चे के साथ भी रेप हो रहा है, तो वहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ, बट बाय वो उसको अपने कंडक्ट की अक्यूज ने उनके साथ क्या किया वो उसको वहाँ जाके बताते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता होता है कि एक्चुअली में जो उनके साथ हुआ वो एक ऑफेंस है, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्हें ये नहीं पता होगा कि जो भी हो रहा है वो एक अपराध है कि नहीं, बट वो कॉन्डक्ट बताते हैं कि क्या क्या कॉन्डक्ट था अक्यूज का उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वहाँ पे कोर्ट उसको एग्जामिन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज होती है टेस्टिमनी देने की। तो उस केस में यहाँ पे जो पी था उसने अपने डिफेंस में ये कहा कि सी जो था उसका बच्चा जो था वो ट्यूटर्ड विटनेस है। ट्यूटर्ड विटनेस का मतलब होता है उसको ट्रेन किया गया है, जैसे ट्यूशन से वर्ड आया है ट्यूटर्ड, उसको समझाया सिखाया बहलाया फुसलाया गया है। तो आपको पहला ये रखना है कि चाइल्ड विटनेस इज कॉम्पिटेंट विटनेस एज पर सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जब तक वो अपने सामने दिए गए क्वेश्चंस को समझ रहा है। ठीक है, अगर वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को समझ रहा है तो ठीक है। इसमें आपको कोई भी लीडिंग केस अगर आपको चाइल्ड विटनेस पे पता है तो आप लिख सकते हैं। मेरे पास जो अभी केस है मैं आपको बोल रही हूँ, आप चाहो तो उसे नोट कर लेना। इसका नाम है अलगू पंडी, ठीक है, अलगू पंडी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 2012 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो चाइल्ड विटनेस होता है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, प्रोवाइडेड जो उसके स्टेटमेंट हैं वो अपने में रिलायबल हों, ट्रुथफुल हों, और अगर आप उसको कोरोबोरेट करें। ठीक है, आई होप आपको कोरोबोरेट का प्रोविजन पता हो, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157 में इसका प्रोविजन है। अगर आप उसको कोरोबोरेट करते हैं किसी अदर प्रोसिक्यूशन विटनेस के थ्रू, ठीक है, कोई उसने अगर चाइल्ड बच्चे ने कोई एविडेंस दिया और किसी अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस के थ्रू आप उस चीज़ को कंफर्म करते हैं, ठीक है, तो उसी को कोरोबोरेशन कहते हैं। यानी कि किसी के स्टेटमेंट को जब आप कंफर्म करते हैं तो वो होता है कोरोबोरेशन, और उसको जब अपोजिट करते हैं तो वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर चाइल्ड विटनेस के स्टेटमेंट को किसी अदर इंडिपेंडेंट सोर्स से कोरोबोरेट किया जा रहा है तो इन दैट केस आप चाइल्ड विटनेस के एविडेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। फिर यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है कि वो चाइल्ड विटनेस के एविडेंस को एग्जामिन करे। जब बच्चा उस एविडेंस को दे रहा है तो उसके डेमिनर को आपको, डेमिनर का मतलब होता है, आपने ये भी इंडियन सीआरपीसी में आप पढ़ेंगे, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे प्रोविजन नहीं याद आ रहा है, आई थिंक सेक्शन 281 या 283 के बीच में है, आप देख लीजिएगा। डेमिनर की बात करता है जो आपके पॉस्चर को आपके हाव भाव को कोर्ट एग्जामिन करता है, ठीक है, वो एग्जामिन करके देखता है। तो वहाँ पे अगर चाइल्ड विटनेस कोई एविडेंस दे रहा है तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसको एग्जामिन करे, उसकी ट्रुथफुलनेस को समझने की कोशिश करे, एंड देयर आफ्टर इफ़ कोर्ट कंक्लूड कि नहीं इट इज़ फाइन, उसका एविडेंस लिया जा सकता है, तो इवन इन मैनी केसेस केवल चाइल्ड विटनेस के बेसिस पे ही कन्विक्शन दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो आप उसके डिफेंस के अगेंस्ट रखेंगे कि वो जो अपने डिफेंस में कह रहा है कि चाइल्ड विटनेस है और आप उसके एविडेंस को नहीं ले सकते, तो आपको कुछ लीडिंग केसेस
और इंडियन एविडेंस एक्ट के 118 के हिसाब से उसको प्रूव करना होगा कि नहीं, चाइल्ड विटनेस इज़ ऑल्सो अ कॉम्पिटेंट विटनेस। और अगर ट्यूटर्ड की बात है तो ट्यूटर्ड क्या मतलब, इतना टाइम ही नहीं मिला, उस घर में केवल वो रहता था, उसकी वाइफ थी और उसका बच्चा था, तो कौन उसको बहला फुसला लेगा? ठीक है, कोई उसको बहला फुसला नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था। फिर वो बोलता है कि सी जो है उस दौरान जब मतलब उसकी डेथ हुई, उसका कंटेंशन था कि उसकी वाइफ ने सुसाइड किया, और वो कहा कि जब उसने सुसाइड किया तो उसका बच्चा सो रहा था। तो आपको अब एक अब क्योंकि आपको यहाँ पे राइवल कंटेंशंस देने हैं, तो आपको ये बताना होगा कि यार अगर किसी एक घर में तीन ही लोग हैं और उनके बीच लड़ाई हो रही है, 7 साल का बच्चा है, कोई बहुत छोटा बच्चा भी नहीं है, ठीक है, और लड़ाई हो रही है, ऑब्वियसली कुछ आवाज़ें होंगी, और कोई कोई सुसाइड करने जा रहा है, ऐसे तो है नहीं कि हस्बैंड चुपचाप बैठ जाएगा और वाइफ सुसाइड कर ली है वो चुप रहेगा, किसी को सुबह तक खबर ही नहीं है, बच्चा वहीं सोया है, ठीक है। और प्रोसिक्यूशन के हिसाब से छत पे मारा गया, और इन केस अगर छत पे भी मारा जा रहा है, ठीक है, छत पे मार जाए तो कुछ तो आवाज़ आती, बच्चे को पता तो चलता, बच्चे ने कुछ सुना होगा तभी वो बोला होगा, ठीक है। तो ये भी उसका फेल हो जाता है कि यार एक घर में कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बच्चे को पता ही नहीं चल रहा, मतलब किसी की डेथ हो गई एक साथ, एक छोटा बच्चा होता तो हो सकता जस्ट बॉर्न में भी होता, तो इन दैट केस आप ये कह सकते हैं कि ठीक है वो उसको कुछ आइडिया नहीं था, बट एक 7 साल का बच्चा थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको यहाँ पे राइवल कंटेंशन देने हैं, तो आप इसको जितने बेस्ट वे में अपने आंसर को कन्विंस कर सकते हैं आपको करना होगा। तो आपको ये बताना होगा कि यार इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि घर में कोई मर गया और किसी को 7 साल के बच्चे को खबर तक नहीं लगी, ठीक है, सुबह तक किसी को कोई खबर नहीं है। फिर वो जो उसने बोला कि उसको ट्यूटर्ड किया गया है और उसका टेस्टिमनी 10 घंटे बाद ली गई है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 10 घंटे कौन उसको बहला फुसला सकता है, 10 घंटे में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, पुलिस वाले ले गए हैं तो पुलिस वाले तो उसको बहलाए फुसलाएंगे नहीं, और कोई उनका रिलेटिव नहीं है जो उन्हें बहलाए फुसलाएगा। तो यहाँ पे ट्यूटर करने वाली बात भी जो है आप साफ साफ खारिज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसने ये कंटेंशन रखा कि जस्ट बिकॉज मैं उसको स्कूल जाने के लिए उसको फोर्स करता था, तो वो उस चीज़ का बदला निकालने के लिए उसने मेरे अगेंस्ट वो कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि आप खुद इमेजिन करके रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रीजनेबल पर्सन के हिसाब से सोचना है कि एक 7 साल का बच्चा कैसा कर सकता है कि सिर्फ स्कूल जाने से बचने के लिए वो अपने फादर के ऊपर ये चार्ज मतलब ये इल्ज़ाम लगा दे कि ही किल्ड माई मदर, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब ये तो एक बेबुनियाद बात हो गई कि वो ये बोलता है कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उसको मैं स्कूल जाने के लिए फोर्स करता हूँ, ठीक है। तो ये भी इसका बदला निकालने के लिए हो सकता है, वो बच्चा वो कुछ कर सकता है, बट ये नहीं कहेगा कि सीधा यही इल्ज़ाम लगा दे कि नहीं इन्होंने मेरी ही किल्ड माय मदर, ठीक है। और जब यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगा, ठीक है, जब भी कोर्ट एविडेंसेस को एप्रिसिएट करेगा, तो यहाँ पे कोर्ट को लॉजिकली सोचना होगा कुछ चीज़ें जो ह्यूमन रियलिटीज पे बेस्ड हैं, जो पर्टिकुलर केस का सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, उसके हिसाब से कोर्ट को एक लार्जर प्रस्पेक्टिव के हिसाब से सोचना होगा, देखना होगा, ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है कि विटनेस जो है जो अपनी मदर की डेथ के बारे में बात कर रहा है, वो भी अपने फादर के अगेंस्ट कि इसने मार दिया, तो इन दैट केस मतलब ये एक 7 साल के बच्चे से बहुत रेयर केस में एक्सपेक्टेड है। एक 7 साल का बच्चा उतना दिमाग नहीं लगा सकता कि चलो मेरे को स्कूल नहीं जाने, स्कूल अब नहीं जाना पड़ेगा, मैं इनको फंसा देता हूँ, ठीक है। तो ये लीस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे राइवल कंटेंशन देना है, तो आपको इस मतलब लाइक यू हैव टू गिव, अगर ये पॉजिटिव आपको उसके सपोर्ट में बोलना होता तो आप उस हिसाब से देखते। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि वो बोलता है कि भाई 10 घंटे बाद जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो इसमें कोई बहुत वो वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मतलब लाइक कोर्ट को पुलिस को जब टाइम मिला वो उसका टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। तो इन दैट केस ये भी जो है उसका पॉइंट जो है इररेलेवेंट है। फिर यहाँ पे चाइल्ड ने जो एविडेंस दिया उसको कॉरोबरेट भी किया जा रहा है किससे, जो नेबर था उसने इस बात को कंफर्म किया कि उसने सुबह 6:30 बजे जाते हुए देखा। तो अब ये कॉरोबरेट हो रहा है, ये चाइल्ड की बात को कंफर्म करता है, क्यों? क्योंकि आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि डिफेंस ने ये बोला कि भाई मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, तो अगर किसी की वाइफ ने सुसाइड कर लिया तो वो सुबह 6:30 बजे क्यों भागेगा,
ठीक है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन हो जिसने नहीं कुछ गलत किया होता, वो जाके किसी घर में किसी की वाइफ ने सुसाइड कर लिया और वो भाग गया, उसको तो नॉर्मल सिचुएशन में जाके पुलिस थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो भाग गया सीधा सीधा। तो कहीं ना कहीं तो ये कोरोबोरेट कर रहा है ना, कोरोबोरेट का मतलब कन्फर्म कर रहा है। तो ये तो चाइल्ड विटनेस जो है उसके उसके द्वारा दिए गए एविडेंसेस को कन्फर्म कर रहा है, और कौन कन्फर्म कर रहा है, जो आपका नेबर है, ठीक है, नेबर द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है, ठीक है, वो चाइल्ड विटनेस द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को कोरोबोरेट कन्फर्म कर रहा है। फिर जो 313 में जो प्रोसीडिंग हुई थी उसमें भी उसने फॉल्स एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। तो 313 में जैसे ऑब्वियस सी बात है कि जो अक्यूज है उसके पास राइट टू साइलेंस का है अधिकार, बट वहाँ पे फिर कोर्ट जो जज है वो इन्फर कर सकता है कि भाई इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन पे ये शांत है, तो ये कोर्ट का यहाँ पे अगर वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे तो वो ये देख के समझ सकता है कि यार ये चुप क्यों है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये जुडिशियल माइंड अप्लाई करके वो कोर्ट चाहे तो इन्फर कर सकता है, तो ये भी उसके अगेंस्ट होगा कि भाई उसने 313 की प्रोसीडिंग में गलत एविडेंस दिया, ठीक है। फिर उसका जो लास्ट कंटेंशन था सरिया वाला था कि फिर उसने ये मतलब जो भी डिस्कवरी स्टेटमेंट हुए हैं सरिया को लेके, उसने उस पर कोई कंटेंशन नहीं किया कि भाई उसके पास क्यों था, उसके बेड के नीचे क्यों सरिया रखा हुआ था, उस पर उसने नहीं कुछ कहा, ठीक है। वो तो पुलिस ने सेक्शन 27 के उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से रिकवर कर लिया। उसने जो कंटेंशन लिया कि उस पर जो ब्रिजेस के मार्क्स है वो उस वेमेन की बॉडी पर नहीं है, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मेडिकली अगर इतना कुछ ये रेलेवेंट होता तो मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं वो इस चीज़ को बोलते, बट इसमें भी कोई ये इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो ब्रिजेस के मार्क्स नहीं है इसलिए मैं इनोसेंट हूँ, तो आई डोंट थिंक कि इसके हिसाब से उसको अक्विटी या उसकी उसको गिल्टी जो है नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतने सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उसके अगेंस्ट की वो प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे सिर्फ इस बेसिस पे कि मार्क्स जो हैं वो सरिया के उसकी बॉडी पे नहीं है। तो देयरफॉर अब इस हिसाब से ओवरऑल कंक्लूड करके, क्योंकि आपको जो है राइवल कंटेंशंस देने हैं जो, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अक्यूज को देयरफॉर यू कैन हेल्ड हिम लाइबल अंडर सेक्शन 302 IPC फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको आप, ये मेरी रीजनिंग थी, आप चाहे तो इसको और बेटर वे में अपने आप से हिसाब से लिख सकते हैं, तो और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।